छोड़ो। प्रीवियस क्लास में हम इनकम मेथड के बारे में पढ़ रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे कि हम इनकम मेथड के थ्रू कैसे हम नेशनल इनकम को कंप्यूट कर सकते हैं। और इनकम मेथड में हमें एक चीज समझ में आई कि अगर हम देश में लोगों की फैक्टर इनकम्स को जोड़ दें, किसको जोड़ दें, फैक्टर इनकम्स को जोड़ दें, तो सारी फैक्टर इनकम्स को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी। और उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि देखो अगर मैं बात करूं फैक्टर इनकम्स की तो आपके सामने क्लियर है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, आया ना, बताइए ऐसा ही है या नहीं। अब इन चारों चीजों को जोड़ दो, ये चारों फैक्टर इनकम्स हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले वेजेस वाली की, तो इसको मैंने यहां पर क्या नाम दिया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, क्या नाम दिया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। और आप लोगों को बताया कि एक इम्प्लॉय को अगर कंपनसेशन मिलती है तो कितने तरीके से मिलती है। सबसे पहला तरीका तो यह है जो वेजेस और सैलरीज उसको कैश में मिल रही है, वेजेस और सैलरीज उसको कैश में मिल रही है, इस तरीके से उसको पेमेंट दी जा रही है। कुछ पेमेंट उसको काइंड में मिल जाती है ना, पेमेंट इन काइंड। और उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा और किस तरीके से आता है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो जाता है किसमें, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। और जो एम्प्लॉयज रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद जो उनको मिलता है उसे कहते हैं पेंशन, ऑन रिटायर में पेंशन, रिटायरमेंट के दौरान, समझ में आई बात, ड्यूरिंग रिटायरमेंट। ऑन का मतलब तो हो गया एक ही वक्त पर पैसा दे दिया, ड्यूरिंग रिटायरमेंट, समझ में आती है बात ये। तो इस तरीके से एक एम्प्लॉय को कंपनसेट किया जाता है, बात क्लियर होती है नहीं होती, इज देयर एनी प्रॉब्लम। अब इस पेंशन में ओल्ड एज पेंशन नहीं आएगी भाई, वो जो बुड्ढों को दी जा रही, समझ आती है बात ये नहीं आती, वो फैक्टर इनकम नहीं है, वो तो क्या एक तरीके की ट्रांसफर इनकम। हाँ जी, अब दूसरी चीज, अब जो मुझे यहां से लेनी थी, मैंने आपसे क्या कहा था, ये तीन की तीन चीजों को इकट्ठा क्या बोल दिया जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस, क्या कहा जाता है बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस, क्या कहा जाता है ने, ऑपरेटिंग सरप्लस। और ऑपरेटिंग सरप्लस अगर इकट्ठा आपको गिवन हो तो आपको इंडिविजुअली रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को जोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं। मैंने आपसे कहा ऑपरेटिंग सरप्लस में जैसे कि रेंट आ गया, अच्छा रेंट तो होता है टेंजिबल प्रॉपर्टी के लिए वर्ड यूज, लेकिन अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है यानी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए आपको क्या मिल जाती है, रॉयल्टी। तो रेंट और रॉयल्टी ये दोनों आपको एक साथ या अलग अलग करके दे सकते हैं, लेकिन आप समझ जाइएगा ये ऑपरेटिंग सरप्लस का ही हिस्सा है। दूसरी चीज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में कुछ खास समझाने की बात है नहीं, आपने अगर किसी को पैसा दिया है तो आप किसके थ्रू पैसा कमाएंगे, इंटरेस्ट के थ्रू पैसा कमाएंगे। लास्ट कॉम्पोनेंट है प्रॉफिट, क्या कॉम्पोनेंट है, और मुझे इस प्रॉफिट के कंपोनेंट को ही थोड़ा और वाइड करना है। देखो बेटा बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या लगता है, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट का करती क्या है। हाँ जी देखो बेटा प्रॉफिट के दो काम होते हैं, कंपनीज जो प्रॉफिट कमाती है उनके दो हिस्से होते हैं, मेजरली दो। सबसे पहला हिस्सा जो प्रॉफिट सभी शेयर होल्डर्स के बीच में बांट दिया जाए उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड, क्या कहते हैं, यानी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट कमाने के बाद सभी शेयर होल्डर्स को बांट दिया, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जो क्या बोला मैंने, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, उसी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को क्या कहा जाता है, डिविडेंड। समझ में आती है बात या नहीं आती, क्या कहा जाता है, डिविडेंड। और प्रॉफिट का जो दूसरा हिस्सा जिसको बांटा नहीं जाता, जिसको बांटा नहीं जाता उसे कंपनी अपने पास ही रखती है, लेकिन है तो कंपनी का प्रॉफिट ही ना, वो कंपनी उस प्रॉफिट को अपने पास किस पॉइंट ऑफ व्यू से रखती है, कि उस प्रॉफिट को बिजनेस में इन्वेस्ट करके बिजनेस को और एक्सपैंड किया जाए, क्या किया जाए, और उसी को हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या होता है वो हमारा,
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स. क्या नाम है? रिटेन्ड अर्निंग्स. क्लियर होती है बात? तो प्रॉफिट के मैंने दो मेजरली दो हिस्से किए. सबसे पहला जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो क्या कहलाता है हमारा? डिविडेंड. और कुछ प्रॉफिट क्या रहता है भाई? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग. समझ आती है बात या नहीं आती? इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब कहानी यहां पर आती है सर. फिर अगर प्रॉफिट के सिर्फ दो ही हिस्से होते हैं तो एक प्रॉफिट बढ़ गया और एक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, यानी रिटेन रह गया, तो ये तीन हिस्से कहां से आ गए? यहीं पर आता है बेटा बढ़िया बात, जो हर मैं फिर कह रहा हूं ना, हर कोई नहीं समझा पाता इस बात. डिविडेंड जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूं मेरे बच्चे. एक आप लोगों ने इस कानून का नाम सुना होगा जिसे कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961. ये कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ने के लिए मिलेगा. समझ आती है बात या नहीं? इनकम टैक्स एक्ट 1961. इस कानून के तहत कहा जाता है कि भैया जो भी डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए, वो पूरा डिविडेंड शेयर होल्डर्स की जेब में नहीं जाता. वो पूरा डिविडेंड शेयर होल्डर्स की जेब में नहीं जाता. मैं आपको एक बात बताता हूं क्यों नहीं जाता. ऐसा होता है कि भैया अगर डिविडेंड शेयर होल्डर को मिले तो वो डिविडेंड वो शेयर होल्डर के लिए क्या हुई? इनकम. क्या हुई? इनकम. और उस कमाई हुई इनकम पर सरकार को क्या देना चाहिए? टैक्स. क्या देना चाहिए? जिसे हम क्या कहते हैं? इनकम टैक्स. क्या कहते हैं भाई? जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया था, कंपनी ने पैसा कमाया, कंपनी ने पैसा कमाया और कमाने के बाद किनको बांट दिया? शेयर होल्डर्स को बांट दिया. किसको बांट दिया? शेयर होल्डर्स को. अब जब शेयर होल्डर्स की जेब में वो पैसा जा रहा है तो कंपनी से, कंपनी ने तो पैसा बांट दिया. अब जिन शेयर होल्डर्स को वो पैसा मिला, उन शेयर होल्डर्स के लिए वो क्या हुई? इनकम हुई. क्या हुई? इनकम हुई. तो इनकम टैक्स लॉ उस शेयर होल्डर से कहता है कि आपने जो ये इनकम कमाई है, इस इनकम के ऊपर हमें क्या पे कीजिए? टैक्स पे कीजिए. अब जब एक बार पैसा उसकी जेब में पहुंच गया तो सबसे पहले तो हर एक शेयर होल्डर को ढूंढना मुश्किल. समझ आई बात? भाई मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे टाटा की मैं बात करूं, रिलायंस की मैं बात करूं, इनके तो करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं. कितने? अब उन करोड़ों को एक एक के पास जाकर आप इनकम टैक्स मांगोगे? सरकार को टैक्स का पैसा वसूलना मुश्किल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा. और तो और ऊपर से कहेंगे भाई हमारी इनकम इतनी है ही नहीं जितना हम टैक्स पे करें. सरकार बहुत चला दे. सरकार किससे कहती है? कंपनी से कहती है कि जो ये तुम डिविडेंड बांटते हो ना, इस डिविडेंड में से कुछ हिस्सा हमको पे कर दो. किसको पे कर दो? हमको पे कर दो. किसके नाम से? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स के नाम से. किसके नाम से? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स. किसके नाम से? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स. और बाकी का बचा हुआ आप डिविडेंड को क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो. बाकी का डिविडेंड आप क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो. अब हर एक के पास जाने की जरूरत नहीं है, सबसे टैक्स मांगने की जरूरत है. तो यानी आप अब खुद देखिए, प्रॉफिट का एक हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसे मैं क्या कह रहा हूं? डिविडेंड. समझ में आई बात या नहीं? और उसी हिस्से में से कुछ प्रॉफिट कहां जा रहा है? सरकार के पास जा रहा है. किसकी फॉर्म में? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स की फॉर्म. मतलब हाफ ऑफ नहीं होता, एक रेट होता है, उस रेट के हिसाब से ज्यादा. हाफ करोगे तो फिर कमाएंगे क्या? आधा सरकार को टैक्स दे देंगे. समझ आई बात या नहीं? अब मसला सारा यहां पर यह बनता है कि प्रॉफिट के तीन हिस्से हुए. कितने हिस्से हुए? तीन. एक हिस्सा डिविडेंड की फॉर्म में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और जो डिविडेंड की फॉर्म में जाना तो सही था, लेकिन सरकार ने क्या किया? हमें दे दो, यानी कॉर्पोरेट टैक्स बोल दो. क्या बोल दो? कॉर्पोरेट टैक्स बोल दो, या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बोल दो, CDT. समझ आती है बात या नहीं आती? ये तो वो हुआ जो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा वो क्या हो गया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. क्या हुआ बेटा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. किसमें से? जिस दिन बांटोगे उस दिन कटेगा. अभी तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ ना, जिस दिन बांटोगे उस दिन काट लेंगे. लेकिन मैं फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि प्रॉफिट के तीन हिस्से होंगे. डिविडेंड, डिविडेंड की वजह से क्या आया? कॉर्पोरेट टैक्स. और एक वो हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या आप उसे क्या कह सकते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स. समझ में आती है बात या नहीं आती? इज देयर एनी प्रॉब्लम?
समझे कि नहीं समझे? हाँ जी बताइए। अब आप बस इस चीज पर फोकस कीजिए, आपके सामने है वेजेस, आपके सामने है रेंट, आपके सामने है इंटरेस्ट, आपके सामने है प्रॉफिट। समझ आई बात? ये नहीं, वेजेस को हमने जस्ट क्या नाम दे दिया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें क्या दे दे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो क्या आप इन चारों चीजों को ऐड करते हुए फिरेंगे क्या? आपको इन चारों चीजों को ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, आपको इनको मुंह नहीं लगाना जरा सभी, क्योंकि डायरेक्टली क्या गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। लेकिन अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं है तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए इन चारों चीजों को जोड़ना पड़ेगा। सर दूसरी चीज क्या आ जाती है, ऑपरेटिंग सरप्लस। सर डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट सबको इग्नोर करो, हो गया काम हमारा। लेकिन ज्यादातर मैं सही बता रहा हूं, 99% केसेस में कभी भी ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं होता। आपको रेंट रॉयल्टी अलग गिवन होती है, इंटरेस्ट अलग गिवन होता है, प्रॉफिट अलग गिवन होता है। लेकिन हाँ, प्रॉफिट के बारे में ध्यान रखना, जब प्रॉफिट एक्चुअल में गिवन है तो डिविडेंड, सीडीटी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनको इग्नोर करेंगे, क्योंकि कंप्लीट प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल। लेकिन अगर पूरा प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को जोड़कर प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट में इंटरेस्ट रेंट रॉयल्टी को जोड़कर ऑपरेटिंग सरप्लस बनाना पड़ेगा, फिर साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा भाई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बात समझ आती है नहीं आती? बस आपको चीजें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आपको जरा भी मुश्किल नहीं लगेगा। समझ में आती है बात या नहीं? बताओ मुझे, इज देयर एनी प्रॉब्लम? सर एक चीज और आती है जिसे हम कंसिडर करेंगे, जिसका नाम है मिक्स्ड इनकम। क्या है? मिक्स्ड इनकम। सर हो तो गए वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हो तो गया, अब क्या बचा? अब ये नई चीज कहां से आ गई, मिक्स्ड इनकम क्या आ गया? बेटा पहले तो मैं आप लोगों को यहां पर ये समझाऊंगा कि ये चीज है क्या, फिर दूसरी चीज मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसे मिक्स्ड इनकम कहते क्यों है। पहले तो ये समझाएंगे कि ये यहां पर आता क्यों है, फिर आपको यह समझाया जाएगा कि हम इसे मिक्स्ड इनकम कहते हैं क्यों। समझ में आती है बात या नहीं आती? चलिए भाई, मेरा आपसे एक सीधा सीधा सा सवाल है। शाहजेब भाई, आपने किसी से पैसा लिया, उधार पर पैसा लिया है ना, कैपिटल ली, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए क्या लिया आपने, कैपिटल ली, जिसे आप कहते हैं बोरोड कैपिटल। क्या कहते हैं? बोरोड कैपिटल। ठीक है, तो आपने इस पैसे को बिजनेस में लगाया और आप जो है 10% का इंटरेस्ट सामने वाले को पे कर रहे हैं। बताइए ये 10% का इंटरेस्ट फैक्टर इनकम में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? भाई आपके लिए खर्चा होगा लेकिन दूसरे के लिए तो इनकम है ना, आया ना, उसने आपको अपना पैसा दिया है, उसके बदले क्या कमा रहा है, वो इंटरेस्ट कमा रहा है, और इंटरेस्ट चाहे आप वो दूसरे को, आपके लिए खर्चा है, दूसरे के लिए तो इनकम है, हम तो सबकी इनकम को जोड़ रहे हैं, तो इसे फैक्टर इनकम का पार्ट मानकर यानी नेशनल इनकम में कंसिडर किया जाता है। लेकिन आपने अपना खुद का भी तो पैसा, ओनर्स कैपिटल, अपना खुद का भी तो पैसा लगाया है, आया ना, लेकिन आप अपने आप को तो इंटरेस्ट नहीं देते, बताओ मुझे, आप अपने आप को तो इंटरेस्ट नहीं देते। लेकिन अगर यही पैसा अगर आप किसी और को दे देते, वो तो आपको इंटरेस्ट देता नहीं देता। यानी आप दूसरे की कमाई, दूसरे को जो खर्चा दे रहे हैं, उसे देश की क्या मान रहे हैं, नेशनल इनकम का पार्ट मान रहे हैं, लेकिन जो खुद का कैपिटल ओनर का बिजनेस में लगा हुआ है, खुद का कैपिटल जो ओनर का बिजनेस में लगा हुआ है, उस कैपिटल के बदले भी तो इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है, लेकिन वो अपने आप को नहीं देता बेचारा। समझ आई बात? ये नहीं, लेकिन है तो वो इनकम का पार्ट ही है, वो भी तो इनकम जनरेट, अगर वो किसी और को दे देता बताओ जनरेट होती नहीं होती? कोई दूसरा आकर आपके लिए मजदूरी कर रहा है, आप उसको वेजेस पे कर रहे हैं, तो उसे फैक्टर इनकम का हिस्सा मान रहे नहीं मान रहे? लेकिन आपका भाई, आप खुद बिजनेस में इन्वेस्ट, अपने अपने वक्त को इन्वेस्ट किया, कहीं और जाकर जॉब करते, आपको पैसा नहीं मिलता? मिलता नहीं मिलता? समझ में आती है बात या नहीं आती? उसके ऊपर इनकम क्रिएट होती नहीं होती? आप अपना टाइम किसे दे रहे हैं? बिजनेस को दे रहे हैं। समझ आई बात या नहीं? तो आप अपनी जेब में पैसे नहीं डाल पा रहे, लेकिन अगर आप अपने पैसे, अपने टाइम को कहीं और इन्वेस्ट करते तो बताइए इनकम जनरेट होती? इकोनॉमी को तो फायदा पहुंचा ही रहे हैं आप। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो मिक्स्ड इनकम के अंदर बताऊं कौन सी इनकम आती है? मिक्स्ड इनकम के अंदर आती है सेल्फ ओन्ड इनपुट्स।
के ऊपर होने वाली फैक्टर इनकम। क्या बोला मैंने? सेल्फ ओन्ड इनपुट पर होने वाली फैक्टर इनकम। समझ आती है बात? या नहीं भाई? देखो, आप अपनी जमीन अपने आप को दे रहे हैं तो अपने आप को तो रेंट पे नहीं कर रहे। समझ आई बात? या नहीं? आप अपना वक्त अपने बिजनेस को दे रहे हैं तो अपने आप को तो वेजेस पे नहीं कर रहे। आप अपना कैपिटल आप बिजनेस को दे रहे हैं, उसके बदले आप रेंट क्या नाम है इंटरेस्ट तो पे नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप अपना कैपिटल कहीं और दे देते, आप अपना वक्त कहीं और दे देते, समझ में आती है बात? आप अपनी जमीन किसी और को दे देते तो वो तीनों चीजें आपको मिलती नहीं मिलती, उसके ऊपर इनकम आती नहीं आती। लेकिन आप उसे अपने बिजनेस में लगा रहे हैं तो वो चीज नजर में नहीं आ रही, लेकिन है तो एक्चुअल में वो भी कमाई, तो वो भी हो रही है। समझ में आती है बात या नहीं आती? इसीलिए ऐसी इनकम को भी फैक्टर इनकम में जोड़ा जाता है। लेकिन ये सारी इनकम, सारी तरीके की इनकम को एक ही साथ एक ही कैटेगरी में डाल दिया, इसीलिए इसे क्या कहा? मिक्स्ड इनकम। क्या कह दिया इसे? मिक्स्ड इनकम। बात समझे कि नहीं समझे? तो मिक्स्ड इनकम के अंदर क्या चीजें आती है? यहां लिखेंगे सेल्फ ओन्ड इनपुट्स जनरेटेड दिस फैक्टर इनकम। और इसे मिक्स क्यों कह दिया? कि सारे सेल्फ ओन्ड इनपुट्स की बात हो गई यहां पे, अपनी खुद की लेबर, अपना खुद का कैपिटल और अपना खुद की जगह। अपनी खुद की जगह पर रेंट, वो भी यहीं पर है। अपनी खुद की लेबर पर वेजेस, वो भी यहीं पर है। और अपने खुद के पैसे पर इंटरेस्ट, वो भी यहीं पर है। इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया? मिक्स्ड इनकम नाम दे दिया। लेकिन फैक्टर इनकम कंप्यूट करते वक्त आप इस चीज को क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। बात समझ में आती है? नहीं आती? इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ जी बताइए मुझे, क्लियर होती है बात या नहीं होती? तो फैक्टर इनकम्स के हर एक कंपोनेंट को आपने समझ लिया? बताइए मुझे, फैक्टर इनकम के हर एक कंपोनेंट को आपने समझ लिया? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपने इसे इसी तरीके से नोट नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर। नेशनल इनकम किसे कहा जाता है? NNPHFC को। किसे कहा जाता है? लेकिन जब आप ये सारी फैक्टर इनकम जोड़ लेते हैं ना, तो आपके पास बताऊं क्या आता है? आपके पास आता है NDP@FC। क्या आता है? NDP@FC। चलिए जी, पहले तो मैं आपको जरा इसका मतलब समझा देता हूं, ठीक है ना, कि इन सबको ऐड करने के बाद NDP@FC क्यों आता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरा एक सवाल है आपसे। अगर यहां पर लिखा हुआ है नेट, क्या लिखा हुआ है? यानी जो चीजें मैंने ऐड की हैं, जैसे GDP@MP आता था तो उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता था। क्या माइनस करना पड़ता था? डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता था। बताऊं क्यों? क्योंकि GDP@MP में जब आप प्रोडक्शन की वैल्यू लिख रहे थे, किसकी प्रोडक्शन की वैल्यू लिख रहे थे, तो उसमें हर तरह की कॉस्ट और हर तरह का प्रॉफिट आ रहा था। बताओ हाँ या ना? है ना, कॉस्ट भी आ रही थी, प्रॉफिट भी आ रहा था और साथ साथ टैक्सेस भी आ रहे थे। क्या आ रहे थे? क्योंकि GDP@MP में आप प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू निकाल रहे थे एक तरीके से, तो प्रोडक्शन की नॉर्मल वैल्यू में तो कॉस्ट आता है और क्या आता है? प्रॉफिट आता है। फिर मार्केट की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए टैक्सेस जुड़ जाते हैं। बताइए हाँ या ना? ऐसे होता नहीं होता? समझे कि नहीं समझे? अब आपने क्या किया, इनकम मेथड में आपने प्रोडक्शन वैल्यू नहीं निकाली। आपने क्या नहीं निकाली? प्रोडक्शन वैल्यू नहीं निकाली। आपने क्या किया? आपने डायरेक्टली इनकम्स को जोड़ने की कोशिश करी। किसको? इनको। और आप जब कॉस्ट ले रहे थे, जब आप कॉस्ट ले रहे थे तो बताइए कहीं पर भी आपने कोई डेप्रिसिएशन की कॉस्ट जोड़ी है क्या? हाँ जी बताइए मुझे। आपने रेंट की कॉस्ट जोड़ी है, आपने इंटरेस्ट की कॉस्ट जोड़ी है, आपने वेजेस की कॉस्ट जोड़ी है। एक प्रोडक्शन की वैल्यू में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, ये सब होते हैं ना, और साथ में डेप्रिसिएशन की भी कॉस्ट होती है। लेकिन क्या आपने डेप्रिसिएशन को जोड़ा इनकम मेथड के अंदर? बताइए मुझे। जब आप प्रोडक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो हर तरीके की कॉस्ट आ जाती है उसमें, यानी उसके अंदर डेप्रिसिएशन भी आ जाता है।
इसीलिए डायरेक्टली वैल्यू जो आती है वो ग्रॉस आती है। क्या आती है? आपको डेप्रिसिएशन हटाना पड़ता है। आप कहते हैं भाई, हम कहते हैं प्रोडक्शन की जितनी भी वैल्यू, वो देश की इनकम जरूर है, वो देश की इनकम जरूर है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन की वैल्यू की बात करें तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। तो बिजनेसमैन के लिए जो प्रॉफिट है वो तो उसकी इनकम है, लेकिन जो कॉस्ट है वो दूसरों की इनकम है, लेकिन उस कॉस्ट में जो डेप्रिसिएशन है वो किसी की इनकम नहीं है। तो क्या करना पड़ता है? डेप्रिसिएशन हटाना पड़ता है। अब तो आपने डायरेक्टली प्रोडक्शन की वैल्यू नहीं जोड़ी ना, सारी इनकम सी जोड़ दी, और उसमें डेप्रिसिएशन आपने जोड़ा ही नहीं, तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो डायरेक्टली नेट ही तो आएगी। बताओ आया ना? डायरेक्टली क्या आएगी? नेट ही तो आएगी। सर, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है? मार्केट प्राइस के अंदर जो आप वैल्यू लेते हैं उसके अंदर टैक्सेस और सब्सिडीज का इफेक्ट होता है। किसका होता है? आपने जैसे कॉस्ट में डेप्रिसिएशन को नहीं लिया, ऐसे ही मार्केट वैल्यू में इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को नहीं लिया। बताओ हाँ या ना? आपने डायरेक्टली क्या निकाला? जो ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, ये जो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस है, आपने इन कॉस्ट में क्या क्या होता था? रेंट होता था, वेजेस होता था, इंटरेस्ट होता था, डेप्रिसिएशन होता था, आया ना? ये सारी चीज होती थी, और ये सारी चीजें आप जोड़ते थे तो आपके पास क्या आता था? जीडीपी एट एमपी आता था। क्या आता था? जीडीपी एट एमपी। अब आपने क्या किया? आपने कैलकुलेशन में इनडायरेक्ट टैक्सेस को नहीं लिया, आपने कैलकुलेशन के अंदर डेप्रिसिएशन को नहीं लिया, आपने क्या लिया? प्रोडक्शन की सिर्फ कौन सी चीजें ली? ये सारी चीजें। तो इसीलिए जो वैल्यू आपके पास आई है, ना ही उसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, इसलिए वो नेट है, और ना ही उसमें कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह का इफेक्ट है, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली क्या है? फैक्टर कॉस्ट है। अरे फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या था? फैक्टर इनकम ही तो था, और आपने जोड़ी ही क्या है? फैक्टर इनकम है, तो एमपी क्यों आएगा भाई? बात समझ आई या नहीं? इज देयर एनी प्रॉब्लम? बस एक चीज है जो आपको नेशनल इनकम नहीं दे सकती, और वो क्या है? आपने जितनी भी चीजें ऐड की है ना, वो सारी की सारी कहाँ की करी है? अपने डोमेस्टिक टेरिटरी की करी है। कहाँ की करी है? अपनी इंडिया की करी है। यानी इसके अंदर ऐसे लोगों की फैक्टर इनकम्स भी जुड़ी हुई है जो आपके रेसिडेंट नहीं है, और इसके अंदर ऐसे लोगों की फैक्टर इनकम नहीं जुड़ी हुई जो आपके रेसिडेंट हैं। समझ आई बात? यह नहीं है, यानी बस अगर आप इनकम मेथड का फॉर्मूला यूज करते हैं, इन शॉर्ट अगर आप इनकम मेथड का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो इनकम मेथड का फॉर्मूला यूज करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है? एनडीपी एट एफसी। क्या मिलती है? एनडीपी एट एफसी। आपको उसे किसमें कन्वर्ट करना होता है? एनएनपी एट एफसी। और एनएनपी एट एफसी को डी को एन बनाने के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ा जाता है, और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड को माइनस किया जाता है। बस इतना सा काम हमें करना होता है। प्रोडक्शन मेथड का जब फॉर्मूला लगा रहे थे तो वहां पर क्या आ रहा था? जीडीपी एट एमपी आ रहा था। क्या आ रहा था? जीडीपी एट एमपी। तो उसको बनाने के लिए डेप्रिसिएशन भी माइनस करने की जरूरत पड़ रही थी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड को प्लस माइनस करने की भी जरूरत पड़ रही थी, और इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को भी माइनस प्लस करने की जरूरत पड़ रही थी। समझ में आई बात? ये नहीं, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा? एनडीपी एट एफसी। बस मुझे इसी का लॉजिक बताना था कि एनडीपी एट एफसी डायरेक्टली क्यों आता है। समझ आती है बात? ये नहीं आती? इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, क्लियर होती है बात बच्चे?